फोर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पार्ट थर्ड खत्म हुआ था। तो यहाँ पर हम ये जिन और मिंग चैन को देखते हैं और यहाँ पर ये जिन हमारे मिंग चैन को रोकता है और वो कहता है कि पिछली बार तो तुम उससे बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बचोगे। और तभी वो उसे पुश करने लगता है और उसे दो तीन पंच भी मार देता है लेकिन मिंग चैन अभी कुछ भी नहीं कहता। और तभी वो उसके भाई बहनों की बात बीच में लाता है जिसके बाद मिंग चैन कहता है कि अब तो तुम बचने वाले नहीं हो, जिसके बाद वो हमारे ये जिन को मारने के लिए होता है। और तभी वो उसके तरफ पंच निकालता है लेकिन दरअसल वो पंच सीधा दीवार में मारता है, वो उस पर नहीं मारता और वो कहता है कि वो स्कूल रूल्स को तोड़ेगा नहीं और इसकी वजह से मैंने तुम्हें पंच नहीं मारा। और ये चिन ये देखकर थोड़ा डर जाता है लेकिन फिर भी वो वहाँ से कहते कहते जाता है कि देख लूँगा मैं तुम्हें एक दिन। और इसके बाद हम मिंग चैन के हाथ में दिखे तो उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और जब वो अपने आप को खुद के मिरर में देखता है तो वो काफ़ी प्राउड फील करता है और वो पिछली बार की तरह खुद के गिल्ट में नहीं रहता और वो कहता है कि आखिर उसने ये चिन को डिफीट कर ही लिया और कम से कम वो उसके सामने खड़ा तो हुआ। हाथ पर लगी चोट भी उसे दर्द की जगह सुकून ही दे रही थी। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहते हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लिया करो। एंड ये गलत बात है कि आप देखते हो लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ 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 यार कर लेना। और इसके बाद हम शियाओमी को देखते हैं जो कि हमारे मिंग चैन के हाथ में लगी चोट को देखकर परेशान होती है और कहती है मिंग चैन तुम्हें ये कैसे लग गई। और तभी नान कहती है कि ज़्यादा भावुक मत हो और ऐसी तो फाइट में चोट लगती रहती है। वैसे वो सभी पूछती है कि मिंग चैन को ये चोट कहाँ से लगी, तो मिंग चैन कहता है कि वो काम कर रहा था इसकी वजह से उसे चोट लग गई। और इसके बाद नान और हमारी शियाओमी फिर से लड़ाई होने लगती है कि कौन मिंग चैन को फाइटिंग सिखाएगा। और इसके बाद मिंग चैन हमारे ये जिन की फाइटिंग स्किल्स को रिमाइंड करता है और वो सोचता है कि ये जिन इतनी सेकंड में पंच मारता है और उसकी किक कितनी सेकंड में आती है और ये सभी उसकी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी होती है तो वो ये सभी पता लगा लेता है। और यहीं पर ये सभी लंच कर रहे होते हैं। शियाओमी हमारे मिंग चैन से कहती है कि वो अभी जो डांस कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें वो उसका पार्टनर बन जाए। तभी नान उसकी बात काटती है और वो कहती है कि मिंग चैन तुम्हारा पार्टनर तो कभी नहीं बनेगा। और हमारी नान कुछ कितना भी मना करे कि उसे डांस बिल्कुल ही पसंद नहीं है लेकिन फिर भी उसे पार्टिसिपेट तो करना होगा, जिसके बाद वो शॉपिंग के लिए जाती है। और यहाँ पर भी जब वो कपड़े देखने लगती है तो वहाँ की ओनर कहती है कि आप शायद गलत प्लेस पर आ गई हैं। तभी नान कहती है कि वो लड़की है और वो लड़कियों वाली कपड़े देख रही है। और यहीं पर शियाओफेंग भी प्रेजेंट रहती है और उसे पता है कि हमारा यान हमारी नान के पीछे पड़ा है, तो वो हमारी नान से काफ़ी ज़्यादा जेलस थी और फिर वो उसे जेलसी फील करवाने लगती है कि तुम तो ना तो ड्रेसिंग सेंस में अच्छी हो ना तुम किसी चीज़ में भी अच्छी हो, फिर भी तुम ऐसे ही लड़कियों वाले प्लेस में कैसे आ गई। और तभी वो यान की बात भी छेड़ रही थी कि यान तुम्हारे बॉक्सिंग क्लब में आता है। तभी वहीं नान समझ जाती है कि ज़रूर ये यान को पसंद करती है, तभी उसका नाम ले रही है और उसकी वजह से ये जेलस भी हो रही है। तभी वो उसको काफ़ी कुछ सुना देती है और वो कहती है तुम्हें लगता है कि यान तुम्हें पसंद करेगा। और ये बात हमारी शियाओफेंग को भी काफ़ी बुरी लगती है। आफ्टर दैट हमारी फांग यू और मिंग चैन प्रैक्टिस करते हैं जिसमें हमारी फांग यू हमारे मिंग चैन को काफ़ी चीज़ें सिखाती है और वो उसे पंच और अपनी किक मारती रहती है जिसकी वजह से हमारा मिंग चैन नीचे गिर जाता है। और इसको देखकर हमारी शियाओमी कहती है कि फांग यू तुम्हें क्या कर रही हो, कहीं उसे मार तो नहीं डालोगी। और फिर वो मिंग चैन को बचाने के लिए उसके पीछे भागती है, तभी नान उसे पीछे से पकड़ लेती है और हमारी शियाओमी बस तड़फड़ाती रह जाती है और कहती है कि मिंग चैन तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई। हमारी शियाओमी को मिंग चैन ये अपने पार्टनर के तौर पर चाहिए हुई था, इसके लिए वो हमारे मिंग चैन के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदती है और फिर वो हमारे मिंग चैन को ड्रेस देखने के लिए जाती है। तभी हमारा मिंग चैन ये ड्रेस लेने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम पहले से मेरी इतनी हेल्प कर रही हो, मेरे घर पर आती हो, खाना भी बनाती हो और तुम सभी इतनी हेल्प करती हो, इसके बाद भी मैं तुमसे ड्रेस नहीं ले सकता। तभी हमारी शियाओमी कहती है कि ये कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें ऐसे ही दे रही हूँ। और वो कहती है कि हम तो फ्रेंड हैं और ये तो कैजुअली है कि हम ड्रेस तो दे ही सकते हैं। तभी हमारा मिंग चैन इसे लेने से बिल्कुल मना कर देता है और वो उसे पैसे देता है, जिस पर हमारी शियाओमी कहती है कि उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो बस अपने दिल से दे रही है। तभी हमारा मिंग चैन उसे पकड़ा देता है, वो कहता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प करवाने के लिए हमेशा प्रेजेंट रहती हो और इसके लिए तुम्हें पैसे तो लेने होंगे। और तभी हमारा मिंग चैन बहुत जोर करता है तो हमारी शियाओमी को लेना पड़ता है और इसके बाद हमारे मिंग चैन वो ड्रेस भी एक्सेप्ट नहीं करता। तभी हमारी शियाओमी कहती है कि मिंग चैन तुम्हारी यही खूबी तो मुझे तुम्हारी तरफ और अट्रैक्ट करती है। और फिर वो काफ़ी ब्लश करने लगती है। आफ्टर दैट स्कूल प्रेसिडेंट हमारे मिंग चैन को मिलने के लिए बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मिंग चैन तुम्हारी ड्रेस तैयार हो गई थी। मिंग चैन अपनी ड्रेस को लेकर कोई भी श्योर नहीं था क्योंकि उसकी ड्रेस अभी तक तैयार नहीं थी। और यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट तो काफ़ी अच्छे से तैयार होकर खड़े हुए थे और वो कहते हैं कि वो मैं कैसा लग रहा हूँ। तभी हमारे मिंग चैन कहता है कि वो प्रेसिडेंट आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तभी वो हमारे मिंग चैन से कहते हैं कि वो उसकी ड्रेस का इंतज़ाम कर देंगे।
और फाइनली डांस पार्टी का दिन आ जाता है और सभी काफी अच्छे से तैयारी करने लगते हैं। और यहीं पे हमारी टैकमांडो टीम की कैप्टन ये काम को संभालती हैं। और इसके बाद इस स्कूल की सारी लड़कियां मेकअप करने लगती हैं और हमारी शाओमी मेकअप में काफी ज्यादा एक्सपर्ट रहती है, वो काफी अच्छे से मेकअप करती है। तभी सारी लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं कि शाओमी तुम कितनी सुंदर लग रही हो और प्लीज हमें भी बताओ ना कि तुम ये सब कैसे करती हो। तभी शाओमी कहती है कि हाँ चुप रहो मैं सभी को बता दूंगी। और यहीं पर हमारी नान भी तैयार होने की कोशिश करती है और वो भी अपना मेकअप करती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। और इसको देखकर हमारी शाओमी भी चौंक जाती है और कहती है कि नान ये क्या कर लिया तुमने। और उसके बाद नान कहती है कि क्यों इस फोटो की तरह नहीं लग रही मैं, और उसका मेकअप काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल रहता है। तभी हमारी शाओमी उसका मेकअप निकालने लगती है और वो कहती है कि तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं तुम्हारा अच्छा सा मेकअप कर दूंगी। और एकेडमी की सारी लड़कियां लर्निंग में तो एक्सपर्ट हैं लेकिन मेकअप में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है, जिसके बाद वो भी मेकअप करती हैं लेकिन उनका मेकअप भी हमारी नान की तरह काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल हो जाता है। और इसके बाद फाइनली पार्टी का दिन आता है, जिसके बाद सभी लड़कियां काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आती हैं। और यहाँ पर प्रेसिडेंट और डायरेक्टर को इन लड़कियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि ये कुछ भी कर सकती हैं। और इसके बाद वो इनकी चेकिंग करवाते हैं, जैसे कि हम बड़ी बड़े जब बिल्डिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर चेकिंग होती है। तो और यहाँ पर इनके पास से काफ़ी सारे हथियार बरामद होते हैं, जहाँ पर कहीं कोई बड़ी सी तलवार लेकर जा रहा था तो कहीं पर कोई छोटा सा चाकू, पर हर किसी के पास कोई ना कोई औजार तो होता ही है। और तभी डायरेक्टर उन सभी के औजार निकलवाते हैं और यहाँ पर हमारी शाओमी के पास भी औजार रहते हैं तो वो भी उसे छीन लेते हैं। और हमारी शाओमी की जो हील्स रहती हैं उसमें भी कांटे लगे होते हैं तो वो हमारी शाओमी को दूसरी हील्स निकाल कर देते हैं। और शाओमी को देखकर सारी लड़कियों के मुंह से यही निकलता है कि कितनी ज़्यादा सुंदर है। और इसके बाद हमारी नान पार्टी में आती है तो उसने बिल्कुल लड़कों की तरह ड्रेसअप किया होता है। तभी डायरेक्टर कहती है कि ये नहीं चलेगा। तभी हमारी नान कहती है कि ये तो चलना पड़ेगा क्योंकि मैं तो ऐसे ही तैयार होती हूँ। और इसके बाद उसे भी एंट्री मिल जाती है। और इसके बाद उसी यूनिवर्सिटी के सारे लोग आते हैं और वो इस डांस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। शाओपिंग हमारी नान को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है और इतने में ही हमारा यान आता है और वो हमारी नान से कहता है कि आज तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और तभी हमारी फांगी भी अच्छे से ड्रेसअप होकर आती है। तभी हमारा सुनहा भी आता है जो कि एक पार्टी के अकॉर्डिंग तो कम कपड़े पहने हुआ था बल्कि वो हमारी इंडियन शादी के बाजे वाले ज़्यादा कपड़े पहना था। और तभी हमारी शाओमी हमारे मिंगचान को देखने लगती है लेकिन मिंगचान अभी तक नहीं आता और हमारी फांगियो भी हमारे मिंगचान की चिंता करती है। और उसके बाद फाइनली डायरेक्टर अनाउंस करते हैं कि पार्टी शुरू होने वाली है, जिसके बाद फाइनली पार्टी शुरू हो जाती है और सभी खूब ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं और डांस भी करने लगते हैं। और तभी हमारी फांगियो मिंगचान को देखने लगती है और तभी हमारी मिंगचान की एंट्री होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और सारी लड़कियाँ बस उसे ही देखने लगती हैं। और तभी हमारी शाओमी मिंगचान के पास भाग कर जाती है और हमारी फांगियो सोचती है कि ये कितना चिपकती मिंगचान से। और तभी हमारी फांगियो मिंगचान को देखने लगती है और मिंगचान सोचता है कि वो फांगियो को डांस करने के लिए इनवाइट करे, लेकिन तभी कुछ लड़के बात करने लगते हैं कि फांगियो इतनी ज़्यादा अमीर है और सबको लगता है कि वो सभी को रिजेक्ट कर देगी। इसके बाद हमारे मिंगचान का जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो भी डाउन हो जाता है। और तभी हमारा सुनहा सोचता है कि वो हमारी फांगियो को डांस के लिए बोले लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल पाता और वो बस चुपचाप खड़ा रहता है। उसके बाद हमारी शाओमी हमारी मिंगचान से चिपकने की कोशिश करती है लेकिन उसे दूर करने का काम हमारी नान करती है और वो जाकर हमारी शाओमी को हमारे मिंगचान से दूर करती है ताकि हमारी फांगियो का हमारे मिंगचान के साथ नंबर लग जाए। हमारी नान का डांस वांस में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसके बाद वो पार्टी में खाने के लिए ढूंढने लगती है। और उसके बाद उसके पास शाओपिंग आती है और वो कहती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं और मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई लड़का डांस के लिए प्रपोज करेगा। और तभी हमारी नान कहती है कि चलो एक बैठ ही लग जाए और देखते हैं कि किसे कौन पहले डांस के लिए पूछने वाला है। और उसके बाद दोनों खड़ी हो जाती हैं कि कौन किसे पूछने के लिए आएगा। और तभी दूर से हमारा यान आने लगता है और हमारी शाओपिंग को लगता है कि वो उसे डांस के लिए पूछेगा, लेकिन हमारा यान आकर हमारी नान को डांस के लिए पूछता है और वो उसे डांस करने के लिए ले जाता है, जिसके बाद हमारी शाओपिंग के सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारी नान को बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता और वो सभी को धक्का देती है। और तभी हमारा यान उसे अच्छे से डांस सिखाने लगता है और कहता है कि मेरी आंखों में देखो फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बार हमारा सुनहा हमारी फांगियो से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डांस करेगी, लेकिन फांगियो सीधा सीधा मना कर देती है। और जब हमारी शाओमी मिंगचान से पूछती है तो मिंगचान कहता है कि उसे डांस करना नहीं आता और वो डांस नहीं करने वाला। और इन दोनों को दूर रखने के लिए सुनहा और शाओमी पूरी पूरी कोशिश करते हैं। हमारा सुनहा हमारे मिंगचान से चिपक जाता है और हमारी शाओमी हमारी फांगियो से, और वो उसे कहीं भी जाने नहीं देती ताकि वो मिंगचान के पास ना चली जाए और ये दोनों डांस ना करने लगें। और इसके बाद जैसे तैसे हमारा मिंगचान बाहर निकलता है और हमारी शाओमी और फांगियो भी बाहर निकलती है। तभी हमारी फांगियो जैसे तैसे शाओमी चकमा देकर चली जाती है और वहाँ मिंगचान भी सुनहा को फोटो क्लिक करने में फंसा कर वहाँ से चला जाता है।
मिंग चैन बाहर खड़ा ही होता है, तभी हमारी फांगी उसके पास आती है और ये दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। और यहाँ पर हमारा मिंग चैन फांगी से कहता है कि क्या वो उसे डांस सिखाएगी, और इसके बाद इन दोनों का डांस पार्टी छोड़कर बाहर ही होने लगता है। यहाँ पर हमारी श्याओमी के साथ हमारा सुनहाओ प्रेजेंट रहता है और ये दोनों कहती हैं कि वो दोनों मिंग चैन और फांगी को चेस नहीं कर पाया। तभी हमारा सुनहाओ हमारी श्याओमी का मूड ठीक करने के लिए एक आइडिया निकालता है और अपने मुँह पर हमारे मिंग चैन वाला मास्क लगा कर आ जाता है, और इसके बाद वो श्याओमी के साथ डांस करता है जो कि हमारी श्याओमी को काफ़ी पसंद आता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पर हमारी नान और यान ऊपर से इन दोनों को देख रहे थे और वो कहते हैं कि ये दोनों काफ़ी अच्छे कपल हैं। और तभी हमारा यान हमारी नान से कहता है कि हाँ ये सच में अच्छे कपल हैं, और वो कुछ ऐसा कह देता है जो कि हमारी नान को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, और वो कहती है कि तुम ज़्यादा बकबक मत करो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और अभी हम श्याओमी को देखें तो उसे अभी तक किसी ने भी डांस के लिए नहीं पूछा था, और वो आते जाते किसी भी लड़के की तरफ अपना रॉब झाड़ने लगती है, लेकिन वो लड़का भी उसे रिजेक्ट करके चला जाता है। और तभी वो हमारे येचिन से कहती है कि क्या वो उसे डांस के लिए प्रपोज करेगा। तभी हमारा येचिन कहता है कि नहीं, और वो कहता है कि मेरे पेट में दर्द होने लगा है, और वो भी वहाँ से चला जाता है। तो येचिन हमारी फांगी उसे डांस के लिए पूछने के लिए जाता है, और हमारी फांगी कहती है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और इसके बाद वो श्याओमी से कहती है कि श्याओमी एम्बुलेंस को कॉल कर दो, अभी किसी की हड्डी टूटने वाली है। जिसके बाद हमारा येचिन कहता है कि हाँ छोड़ो मैं तो कहीं और भी जा रहा था, और इसके बाद वो अपने उल्टे पैर करके वहाँ से चला जाता है। और उसे भी पता रहता है कि उसकी दाल यहाँ पर फांगियों के साथ नहीं गलने वाली। और इसके बाद फांगियू मिंगचान को अपने घर पर ले जाती है जहाँ पर हमारी फांगियू का भाई प्रेजेंट रहता है। और इसके बाद हमारे फांगियू के भाई और मिंगचान में फाइट होती है, जहाँ पर पहले तो उसका भाई काफ़ी अच्छे से खेलता है, और तभी हमारा मिंगचान उसकी स्ट्रेटजी को समझ देता है और वो उसे एक किक मारता है, नीचे गिर जाता है, और वो कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं खेलेगा। और इसके बाद ये दोनों काफ़ी बातें करते हैं, और इसके बाद इन दोनों की बातें खत्म हो जाती हैं तो दोनों चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या बोलें। और इसके बाद मिंगचान घर जाने की बात करता है, और माई फांगी उसके वर्किंग प्लेस पर उसे छोड़ देती है। और यहीं पर माई श्याओमी हमारे मिंगचान के पीछे पीछे उसके वर्क प्लेस पर भी आ जाती है और उसका सारा काम कर देती है। तभी मिंगचान उसे थैंक यू बोलता है, और हम समझ सकते हैं कि हमारी श्याओमी हमारे मिंगचान को सबसे ज़्यादा पसंद करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और यहीं पर हम यान और नान को देखते हैं जो कि अपने घर पर जा रहे होते हैं, और यहाँ पर हमारा यान हमारी नान को टीज करता है तो हमारी नान उसे मारने लगती है। और यहीं पर हमारा यान ने कुछ चीज़ों पर फिसल कर गिरने वाला था, तभी हमारी नान उसे पकड़ लेती है। और यहाँ पर इन दोनों में जो सीन था वो यहीं पर पॉज हो जाता है, और सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये दोनों लड़के क्या कर रहे हैं। तभी हमारी नान चिल्ला कर कहने लगती है कि वो लड़का नहीं है, वो लड़की है। और तभी हमारा यान उसे पकड़ कर ले जाता है, वो कहता है कि तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तो हूँ जो जानता हूँ कि तुम लड़की ही हो। और यहीं पर श्याओमी हमारे मिंगचान के साथ उसके घर पर जाती है, और वो हमारे मिंगचान के साथ उसके खाना बनाने में मदद करने लगती है। वैसे हमारी श्याओमी की कुकिंग काफ़ी अच्छी है, और वो उन सब के लिए खाना बनाती है जो कि उन सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और तभी हमारी फांगी हुई और मिंगचान के घर की तरफ आती है और उसके लिए खाना लेकर आई थी, लेकिन जब वो देखती है कि हमारी श्याओमी वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो वापस चली जाती है, और वो अपने घर पर जाकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खाने लगती है। तभी उसका भाई आता है, वो कहता है कि यहाँ पर तो लग रहा है कोई जलेसी की मारे मरे जा रहा है। तभी हमारी फांगी कहती है कि ज़्यादा नहीं बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी उसका भाई कहता है कि ठीक है मैं नहीं बोल रहा। और तभी फाइट की डेट काफ़ी पास आ रही थी, और यहाँ पर हमारा मिंग चैन काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता है, और इसे हमारे यान और ईचिन भी देखते हैं। तभी यान ईचिन को बताता है कि तुम्हें काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि हमारा मिंग चैन काफ़ी लगन से प्रैक्टिस कर रहा है। और तभी ईचिन भी अपनी प्रैक्टिस में लग जाता है ताकि वो मिंग चैन को डिफीट कर सके। उसके बाद हम यान को देखते हैं जो कि हमारे नान के बॉक्सिंग क्लब में प्रेजेंट रहता है, और यहाँ पर नान उसे समझाती है कि अभी हम दोनों के टीम के बीच में फाइट्स होने वाली हैं, तो हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हम दोनों को एक दूसरे की स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। और अच्छा यही हुआ कि अब टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हो जाते, हम अलग अलग प्रैक्टिस करें। और तभी यान ये बात को समझता है और वहाँ से निकल जाता है, और तभी बाहर उसे चियाओ फेंग मिलती है, और वो कहती है कि तुम यहाँ पर बार बार क्यों आते हो, और वो सीधा सीधा पूछ लेती है क्या वो नान को पसंद करता है। तभी हमारा यान कहता है कि हाँ, और तभी वो कहती है कि तुम समझती नहीं हो कि मैं नान से ज़्यादा सुंदर हूँ और मुझ में उससे ज़्यादा खूबी है। और हमारा यान कहता है कि कोई भी किसी को उसकी सुंदरता या फिर क्यूटनेस के लिए पसंद नहीं करता, पर किसी किसी में काफ़ी अच्छी खूबी होती हैं जो कि किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और यहाँ पर इस सुनकर हमारी श्याओमी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और तभी हमारे नान के डैड आते हैं और वो हमारे यान के बारे में पूछते हैं। तभी हमारी नान कहती है कि उसने तो वहाँ से जाने के लिए उसे कह दिया है, और तभी उसके डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और हमारी नान भी उन पर गुस्सा होती है। और यान को बाहर निकालने के बाद पर हमारे नान और उसके डैड में फाइट होती है, और हमारी नान काफ़ी अच्छे से अपने डैड को पीने लगती है, और अपने डैड जब अपना कमाल दिखाते हैं तो वो हमारी नान को एक ही पंच में हरा देते हैं, और उसके बाद हमारी नान की गर्दन में काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर हमारी श्याओमी हमारे मिंगचान के पीछे पीछे जाती है, हमारी नान भी उसका पीछा करती है कि कहीं ये मिंगचान के पीछे ज़्यादा ना चिपक जाए, और हमारी फांगियू का
जो नंबर है वो ना लगे। और उसके बाद हमारी शाओमी हमारे मिंगजान से कहती है कि आज भी वो उसके घर पर कुकिंग करेगी। तभी हमारा मिंगजान कहता है कि अब क्या तुम रोज रोज मेरे घर पर खाना बनाने के लिए आओगी। तभी शाओमी कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी हमारी नान भी जो है टपक पड़ती है और वह कहती है कि मिंगजान आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आऊँगी। और हमारी शाओमी मना करती है। तभी हमारी नान मिंगजान से पूछती है कि मिंगजान मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तभी मिंगजान कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। और उसके बाद ये सभी उसके घर पर जाते हैं और हमारी शाओमी ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया होता है। वो हमारी नान से कहती है कि तुम खा सकती हो और अब ज़्यादा एक्सप्रेशन मत दो। तभी हमारी नान कहती है कि उसे भूख नहीं है। और तभी उसके पेट से आवाज़ आने लगती है और जैसे ही हमारी नान थोड़ा सा खाती है वो कहती है कि कितना ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि हमारी शाओमी का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और वो अपने बाल पकड़ने लगती है और अपने सपनों में खो जाती है कि वो कितना ज़्यादा टेस्टी खाना खा रही है, और इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहीं पर हमारी शाओमी एक पोस्ट को अपलोड करती है जिसको हमारी पांग्यू देखती है और वो कहती है कि शाओमी कितना ज़्यादा शो ऑफ करती है। और उसके बाद नान को भी देखती है तो नान ने भी यही डाला होता है कि हमारी शाओमी काफ़ी अच्छी कुकिंग करती है और उसकी कुकिंग सबसे बेस्ट है। उसके बाद हमारी पांग्यू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो हमारी शाओमी को ब्लॉक ही कर देती है। उसके बाद हमारी फांग यू फाइनल डिसीजन करती है कि वो भी खाना बनाना सीखेगी और वो हमारी शाओमी को कुकिंग में डिफीट करेगी। और उसके बाद वो खाना बनाने में लग जाती है, लेकिन खाना बनाना इतना आसान नहीं रहता, जिसके बाद वो जैसे तैसे खाना बनाती है और वो अपने भाई को खाना परोसती है। तभी उसका भाई कहता है कि दी सच में आपने खाना बनाया है? तभी हमारी फांग यू कहती है तुम्हें घर में और कोई दिखता है मेरे अलावा जो खाना बना सकता है? और उसके बाद फांग यू का भाई कहता है कि दी आपने बचपन से अभी तक मेरे लिए एक दूध भी गर्म नहीं किया है और आज आपने खाना बनाया है, ज़रूर स्पेशल है। और उसके बाद वो खाना टेस्ट करता है जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, लेकिन अपनी बहन के प्यार के चक्कर में उसे वो खाना पड़ता है। और उसके बाद हमारी फांग यू अपना सारा खाना ऑफिस में भी भिजवा देती है और अपने भाई से पूछती है कि खाना कैसा बना। तभी हमारा फांग यू का भाई कुछ भी नहीं कहता और यहाँ पर ऑफिस वालों का हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो खाना खाकर और उन्हें सीधा टॉयलेट और हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ता है। और इसके बाद हमारा मिंगजान काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। और इस पर हमारी शाओमी कहती है कि तुम्हें आज थोड़ा आराम करना चाहिए और वो उसकी पार्ट टाइम जॉब खुद कर लेगी। और उसके बाद वो टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है। और यहाँ पर वो फांग यू को देखती है जहाँ पर फांग यू उसे अपने दिल की बात बताती है। हमारी शाओमी अपनी कॉस्ट्यूम बाहर निकालती है और वो कहती है कि फांग यू तुम यहाँ पर रोज़ हमारे मिंगजान से मिलने के लिए आती हो। और इसी पर हमारी फांग यू को पता चलता है कि इस कॉस्ट्यूम में हमेशा मिंगजान ही रहा करता था और वो उसकी सारी जो बातें हैं उसे सुनता था। तभी हमारी फांग यू वहाँ से भाग जाती है और वो कहती है कि आखिर वो मिंगजान से क्या क्या बात करती थी। और वो अपना सिर पकड़ने लगती है कि वो कितनी पागल है और किसी से भी अपनी बात कहती रहती है। और इसके बाद फांग यू देर रात को हमारी नान के घर पर पहुंचती है और नान कहती है कि फांग यू तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? और इसके बाद फांग यू कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो मिंगजान को कैसे बताया कि वो उसे लाइक करती है। और तभी इसी के चक्कर में वो नान को सोने भी नहीं देती और नान उसे तरीका बताती है कि तुम्हें मिंगजान को बताना ही होगा कि तुम उसे लाइक करती हो, और दैट्स ऑल। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। बाय बाय।